हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमसीबी। आज हम इन ड्रॉप शेप के बीड से ब्यूटीफुल से लटकन बनाएंगे। मैंने यहाँ पे दो ड्रॉप शेप के बीड्स लिए हैं, स्टोन चेन लिया है और इस तरह के दो कैप्स लिए हैं, जरी थ्रेड लिया है, मीडियम साइज़ के गोल्डन बीड्स लिए हैं और ये स्मॉल साइज़ के बीड्स लिए हैं। दो मैंने गोल्डन कलर के क्रिस्टल्स लिए हैं बिग साइज़ के और 6 स्टोन टायर्स लिए हैं, इस तरह के स्टोन टायर्स हैं। सिल्क थ्रेड लिया है और ये मैंने नॉर्मल सेविंग नीडल में 2 स्ट्रैंड्स ऑफ कॉटन थ्रेड लिया है। ये लटकन्स बहुत ही ब्यूटीफुल और ग्रैंड है। लगभग 1 आवर के अंदर अंदर ये लटकन्स इजीली बन जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस नीडल पे स्लिप नॉट लेना है और उसके बाद इस बीड पे इसे लॉक कर देंगे सिंगल क्रोशे से। उसके बाद यहाँ पे हमें 2 चेन स्टिच बनाने हैं और अब 2 चेन स्टिच बनने के बाद इस बीड पे डबल क्रोशे बनाएंगे। हमें इस पूरे बीड पे कंटिन्यू डबल क्रोशे बनाने हैं। मैंने यहाँ पे 6 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लिया है। आप चाहो तो 5 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड भी ले सकते हैं या फिर कलमकारी थ्रेड से भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी मटेरियल्स मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगे। ऑल्सो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए लगभग 1 आवर लगेगा। और अब इस पूरे ड्रॉप शेप के ऊपर हमें डबल क्रोशे बनाने हैं। 50 to 55 डबल क्रोशे बनेंगे। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, मैंने कम्प्लीटली डबल क्रोशे बना लिए हैं और ये अब लास्ट वाला डबल क्रोशे है। उसके बाद ये जो हमने फर्स्ट चेन स्टिच बनाया था वहाँ से नीडल को पास करते हुए धागा बाहर लाएंगे और अब इन दोनों लूप्स में से भी फिर से धागा लेके बाहर आएंगे। और अब ये अटैच हो गया है, फिर से एक चेन स्टिच बनाना है और ये जो धागा है इस धागे को हम बाहर खींच लेंगे। ये एक लॉक बन जाएगा, इस तरह से एक लॉक बन जाएगा। फिर फिंगर में धागा फोल्ड करके इस क्रोशा की मदद से फिर से एक बार नीडल को धागे को बाहर लाके इस तरह से इन थ्रेड्स में से फिर से एक बार और लॉक लगाएंगे। नॉट बनाना है, फिर से हमें नीडल को पास करके धागा बाहर लाएंगे और इस लूप में से भी इन धागे को बाहर कर लेंगे। ये अच्छे से टाइटली नॉट बन गया है और अब हम इसे धागे को कट नहीं करेंगे, इसी तरह से साइड में रखेंगे। उसके बाद ये जो मैंने कैप लिया था इस कैप में से इस तरह से गम लगा के इन सिल्क थ्रेड को इस तरह से रैप करना है। मैंने 15 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लिया है और इसे ऑलरेडी थोड़ा सा रैप कर लिया था। इस तरह से हमें नीटली रैप करना है, थ्रेड्स को थोड़ा सा स्प्रेड करके गम लगा के इस तरह से नीटली हमें रैप करना है। ये देख सकते हैं इस तरह से। अब एक बार और इन थ्रेड्स को इस कैप में से पास कर लेंगे। अब ये कैप कम्प्लीटली फिल हो गया है और एक्सेस थ्रेड को हम कट कर लेंगे। यहाँ पे कट लगाना है। उसके बाद इन एक्सेस ये थ्रेड हैं इन थ्रेड्स को फैब्रिक ग्लू की मदद से स्टिक कर लेंगे और ये थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। फ्रेंड्स, अब ये ड्राई हो गया है। इस कैप के एज पे हमें एंड पे एक लाइन फैब्रिक ग्लू लगाना है। गम को इस तरह से 1 लाइन लगाएंगे और इस कैप को हम सीधा रख लेंगे इस तरह से। इस कैप के ऊपर हमें चेन स्टिच लगाना है, स्टोन चेन लगाना है इस तरह से। मैंने ऑलरेडी स्टोन चेन कट करके रख लिया था और इसे अच्छे से इस तरह से फिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई के लिए रख देंगे। और अब ये जो ड्रॉप शेप का बीड है, एक्स्ट्रा थ्रेड है, इसमें से नीडल इंसर्ट कर लेंगे। मैंने नीडल इंसर्ट कर लिया है। उसके बाद हमने ये जो बीड लिए थे, एक स्मॉल बीड, एक बिग बीड और एक स्मॉल बीड, इस तरह से स्टार्टिंग में हमें 3 बीड्स लेने हैं।
और ये जो डबल क्रोशे हमने बनाए थे, दो डबल क्रोशे छोड़ के थर्ड वाले डबल क्रोशे के ऊपर से हमें नीडल को पास कर लेना है। इन्हें अच्छे से टाइटली स्टिच कर लेना है। उसके बाद ये जो हमने थर्ड वाला छोटा बीड डाला था, उस बीड में से नीडल को इस तरह से पास कर लेंगे और इसे अच्छे से स्टिच कर लेंगे। हमें यहाँ पे टाइटली स्टिच करना है, बिल्कुल भी लूज नहीं छोड़ना है। और अब नीडल में हमें फिर से दो बीड्स लेने हैं, एक बिग बीड एक स्मॉल बीड। इन दोनों को भी हम दो डबल क्रोशे के बाद थर्ड वाले डबल क्रोशे के ऊपर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। टाइटली स्टिच करने के बाद ये जो स्मॉल बीड है, इस बीड में से भी नीडल को पास कर लेना है और इसे अच्छे से स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने और भी बहुत सारे लटकन्स बनाए हुए हैं, उन सभी का एक प्लेलिस्ट बना के उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑल्सो मैंने लेटेस्ट कुचू टेसल्स डिज़ाइन, क्रोशेट के कुचू टेसल्स डिज़ाइन, बीडेड बैकनेक डिज़ाइन ऑन स्टिच्ड ब्लाउज, उनका भी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, वो सभी वीडियोज़ आपको ईजीली मिल जाएंगे। और अब हमें एक बीड बीड और एक स्मॉल बीड लेके ये जो डबल क्रोशेट हमने बनाए हैं, दो डबल क्रोशेट के ऊपर थर्ड वाले डबल क्रोशेट के ऊपर हमें स्टिच कर लेना है और स्मॉल बीड्स में से भी नीडल को पास करके अच्छे से टाइटली स्टिच कर लेना है। उसके बाद फिर से एक बिग बीड एक स्मॉल बीड लेके दो डबल क्रोशेट के बाद थर्ड वाले डबल क्रोशेट के ऊपर हमें अच्छे से स्टिच कर लेंगे और स्मॉल बीड में से भी नीडल को पास कर लेंगे। इसी तरह से हम इस ड्रॉप शेप के ऊपर इस बीड वर्क का कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं मैंने इस बीड वर्क को कम्प्लीटली स्टिच कर लिया है। और नेक्स्ट जो है ये जो स्मॉल बीड है, इस स्मॉल बीड में से नीडल को हम पास कर लेंगे और इसे यहाँ पे अच्छे से टाइटली स्टिच कर लेंगे ताकि ये दोनों बीड्स नज़दीक आ जाए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे एक दो स्टिचेस और लगाने हैं, इससे ये बीड्स कम्प्लीटली फिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे हमें इस बीड को टर्न करके दो तीन स्टिचेस और लगाने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अच्छे से स्टिच कर लिया है और एक दो नॉट्स भी लगा लिए हैं। इन बीड्स के ऊपर हमें इस तरह से एक और नॉट लगाना है लास्ट में। उसके बाद इन एक्सेस थ्रेड को कट कर लेंगे और अब ये ड्रॉप शेप के ऊपर बीड वर्क कंप्लीट हो गया है, इसे साइड में रख देंगे। अब नेक्स्ट हमें ये कैप लेना है, इस कैप के ऊपर हमें इस जरी थ्रेड से स्टिच कर लेना है। मैंने 4 स्ट्रैंड्स ऑफ जरी थ्रेड लेके यहाँ पे एक नॉट डाल लिया है। इस कैप के ऊपर से इस नीडल को पास कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद इस जरी थ्रेड में जो हमने नॉट लगाया था, उस नॉट में से भी नीडल को पास कर लेना है। और अभी एक नॉट बन गया है, इसे अच्छे से टाइटली हम नॉट बना लेंगे ऊपर की तरफ इस तरह से। और अब ये जो स्टोन चेन है, इस स्टोन चेन के ऊपर थोड़ा सा गैप होता है दो स्टोन चेन के बीच में, वहाँ से हम इस जरी थ्रेड को पास कर लेंगे और इसे फिंगर में इस तरह से टाइटली पकड़ के स्टिच कर लेंगे। एक एवरी स्टोन के बाद थोड़ा सा गैप होता है, उस गैप में से हमें इस जरी थ्रेड को पास कर लेना है और फिंगर में टाइटली पकड़ के इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देख सकते हैं, इस तरह से हमें टाइटली स्टिच कर लेना है और फिर से इस कैप में से नीडल को पास करना है। इसी तरह से हमें कंटिन्यू स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा कैप कंटिन्यू स्टिच कर लिया है जरी थ्रेड से, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। लास्ट में हमें यहाँ पे इस कैप के नीचे की तरफ अच्छे से हमें स्टिचेस लगाने हैं, सॉरी नॉट्स लगाने हैं, इससे ये जरी थ्रेड कम्प्लीटली फिक्स हो जाएगा। 2 से 3 अच्छे से नॉट्स लगाने हैं और उसके बाद इस जरी थ्रेड को हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे और अब ये कैप भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हमें कॉटन थ्रेड लेना है और यहाँ पे एक नॉट डाल लेना है। मैंने 4 स्ट्रैंड्स ऑफ कॉटन थ्रेड लिया है और एक बिग बीड डाल लिया है। ये जो हमने बीड वर्क किया था, वही बीड लेके हमें पहले इसे लॉक कर लेंगे।
इस नॉट में से नीडल को पास करके इस बीड को हमें लॉक कर लेना है। उसके बाद एक स्मॉल बीड लेना है, इसे भी हम नीडल में इंसर्ट कर लेंगे। और अब ये जो हमने कैप किया था, वर्क किया था, उस कैप को भी लेके इस नीडल में पास कर लेंगे। इस तरह से ये जो दोनों बीड्स हमने स्टिच किए थे वो दोनों बीड्स इस कैप के अंदर आ जाएंगे। और अब नीडल में एक स्टोन टायर लेना है, इसे हम नीडल में इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद ये जो ड्रॉप शेप का बीड है इसका हमें यहाँ से देख के इसके सेंटर में, नीचे की तरफ सेंटर में बीड देखना है। इस तरह से ये बीड सेंटर में आ जाएगा और इसी बीड में से हमें इस नीडल को पास कर लेंगे और इस कैप को अच्छे से स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये देख सकते हैं। और अब इस नीडल को इस कैप में से हम दोबारा से पास कर लेंगे, वापस से इस तरह से स्लोली पास कर लेना है। हमें इस बीड कैप को ना ज़्यादा लूज छोड़ना है और ना ही ज़्यादा स्टिच टाइटली स्टिच करना है, बस मीडियमली स्टिच कर लेना है। और ये जो बिग बीड है इस बीड में से नीडल को पास करके यहाँ पे अच्छे से नॉट्स लगा के धागे को कट कर लेना है। और अब नेक्स्ट हमें एक कॉटन थ्रेड में स्मॉल बीड लेके लॉक डाल लेना है। और उसके बाद एक स्टोन टायर, एक क्रिस्टल, एक स्टोन टायर, उसके बाद फिर से एक स्मॉल बीड, इस तरह से चार बीड्स नीडल में इंसर्ट कर लेने हैं। ये देख सकते हैं इस तरह से। और अब ये जॉब ड्रॉप शेप के ऊपर की तरफ यहाँ पे ये जो होल है इस होल में से नीडल को हम पास कर लेंगे। इस तरह से ये बीड्स, सभी बीड्स स्टेन सेंटर में आ जाएंगे। और अब हमें यहाँ पे अच्छे से स्टिच लगाने हैं। हमें जो सिल्क थ्रेड हमने डबल क्रोशे बनाए थे वही कलर का कॉटन थ्रेड यूज़ करना है, इससे ये स्टिचेस बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। हमें इन बीड्स को अच्छे से यहाँ पे स्टिच कर लेना है और एक दो नॉट्स भी लगा लेने हैं। उसके बाद एक स्मॉल लॉन्ग बीड लेना है और इसे भी हम नीडल में इंसर्ट कर लेंगे। अब ये लटकन कंप्लीट हो गया है, इसे हम डोरी पे इसी एज पे स्टिच कर लेंगे। मैं कम्प्लीटली स्टिच करके बताती हूँ, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब ये लटकन्स कंप्लीट हो गए हैं। मैंने इस बीडेड बैकनेक डिज़ाइन ऑन स्टिच ब्लाउज का भी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने वीडियो के एंड में दे दिया है। आपको ये लटकन्स कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक।